पौड़ी में गर्मी का सीजन आते ही कई गांव में पानी की किल्लत हो जाती है। वहीं बूंगा गांव में पिछले कई महीने से पानी की भारी किल्लत बनी हुई है, जिससे परेशान ग्रामीणों ने आज जिला अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे से मुलाकात की और जालपा पंपिंग योजना से पर्याप्त पानी मुहैया कराने की मांग की। इस दौरान ग्रामीणों के साथ आए कांग्रेस के प्रदेश सचिव दीपक असवाल का कहना था कि गाँव में पानी की किल्लत इस कदर हावी है कि गांव में बनी पानी की डिग्गी पर ग्रामीणों को सुबह से ही पानी के लिए खड़ा होना पड़ता है। ग्रामीणों को पानी का एक एक बर्तन भरने में घंटों लग जाते हैं। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। बिष्टभूंगा ग्राम सभा बिष्टभूंगा में काफी 6 महीनों से काफी पानी की दिक्कत चल रही है और आज पूरा गाँव महिलाएं और जो हमारे बुजुर्ग युवा सारे आए हैं जिलाधिकारी के पास कि काफ़ी समय से उनके गांव में पानी नहीं आ रहा है और जो पानी जो आ भी रहा है तो 3-3 घंटे में 4-4 घंटे में एक बाल्टी भर नहीं पड़ी पूरी। कई टाइम से हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, जिस हिसाब से भी हम लोगों ने बहुत बहुत ज़्यादा गुजारिश की कि वो हमें पानी दिलाएं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो आज हम DM सर के पास आए हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है हमें। तत्काल मैंने एक्शन जल संस्थान पौड़ी उनको निर्देशित किया है कि आज एक वरिष्ठ अधिकारी ग्राम पंचायत में जाकर समस्या क्या है, उसका क्या समाधान हो सकता है और उसमें कोई अगर और कोई दिक्कत आ रही है तो उसकी जांच करेंगे। जांच करके आख्या मुझे शाम तक उपलब्ध कराएंगे।